गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, एफडी का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम फिक्स डिपॉजिट करवाएं ताकि हमारा टीडीएस डिडक्ट ना हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर फिक्स डिपॉजिट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक क्या करता है, फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कर देता है। तो फिक्स डिपॉजिट का जब टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो हमें उस टीडीएस को वापिस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, बहुत प्रोसेसिंग होती है। तो हम ये अगर चाहें तो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं, टीडीएस कटेगा ही नहीं फिक्स डिपॉजिट पे। तो गाइस बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में मेरे साथ ताकि मैं आपको डिटेल एनालिसिस करवा सकूं कि किस तरीके से हम फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। गाइस अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उसका अपडेशन साथ के साथ आप लोगों को मिल सके। तो गाइस देखते हैं हमारे पास सबसे पहले तो टीडीएस डिडक्ट कब होता है, व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड बाय बैंक। सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बैंक टीडीएस कब डिडक्ट करता है। अगर बैंक को लगता है कि जितनी भी एफडीज उस पर्टिकुलर बैंक में आपकी है, एक पर्टिकुलर बैंक की मैं बात कर रही हूँ, यानी एसबीआई की अगर मैं बात करूं, एसबीआई को अगर लगता है कि एसबीआई में जितनी भी एफडीज आपकी हैं उन सभी एफडीज को मिला करके जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना होगा, 40,000 रुपीज, कितना 40,000 रुपीज से ज्यादा होगा तो वो 10% टीडीएस जो है वो डिडक्ट कर लेता है। कितना टीडीएस डिडक्ट करेगा, वो 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। क्लियर? ये सब किस केस में, अदर्स के केसेस में। अदर देन सीनियर सिटीजन की अगर मैं बात करूं, अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट है वो कितनी है, 40,000 रुपीज। लेकिन अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, सीनियर सिटीजन्स के केस में 10% टीडीएस कब डिडक्ट होता है, इन केस योर इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज। अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपका एफडी का इंटरेस्ट कितना है, 50,000 से ज्यादा है, तो आपका 10% टीडीएस इस केस में डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर? तो इन केसेस में हमारा जो है टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, जब हमारा एक टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो हमें उस टीडीएस को वापस क्लेम करने के लिए क्या करना होता है, आईटीआर फाइल करनी होती है। ठीक है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। अब इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए सबसे पहले तो हमारे एक्सपेंसेस भी लगते हैं, प्लस हमें वेट करना पड़ता है कि कब टीडीएस का रिफंड आएगा और बहुत तरीके के झंझट होते हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा वो टीडीएस डिडक्ट ही ना हो, क्या करें हम उसके लिए, सबसे पहली बात जो एक नॉर्मल तरीका, सबसे आसान तरीका आप अपना सकते हैं, क्या आप जो फिक्स डिपॉजिट करेंगे डिफरेंट बैंक्स में कर दीजिए। आपने अगर 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट करना है, ठीक है, 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट करना है तो आप 2 या 3 अलग अलग जो बैंक है, एसबीआई हो गया या व्हाटएवर, पीएनबी, जो भी आपको पसंद हो, मैं नाम नहीं लेती किसी बैंक का, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही थी, जो भी बैंक आपको ठीक लगे आप अलग अलग बैंक के अंदर जो है अपनी एफडी करवाइए ताकि आपकी जो अमाउंट है वो 40,000 और 50,000 व्हिचएवर इज एप्लीकेबल, आपका इंटरेस्ट उसके ऊपर ना जाए। क्लियर? अगर आपका इंटरेस्ट उसके ऊपर नहीं जाता तो बैंक टीडीएस भी डिडक्ट नहीं करेगा, आपका टीडीएस इस तरीके से बच जाएगा। दूसरा केस क्या है, When your total income is less than 2,50,000, अगर आपकी total income ही less than 2,50,000 है तो आप submit कर सकते हैं bank को form number 15G और 15H ताकि आपका TDS जो है वो interest के ऊपर bank नहीं deduct करेगा। जी हाँ, अगर किसी की income 2,50,000 से कम होती है तो bank को आप 15G और 15H दे सकते हैं कि देखिए सर मेरी तो basic exemption limit से भी कम income है, मेरे ऊपर tax देना ही नहीं बनता, तो आप मेरे ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हैं, मेरी इनकम के ऊपर टैक्स क्यों डिडक्ट कर रहे हैं, कल को मुझे आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो आप 15G 15H व्हिच एवर फॉर्म इज एप्लीकेबल ऑन यू, जो भी फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है, मैं आगे बताऊंगी कौन सा फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो आप फाइल कर दीजिए। क्लियर? अब उन लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है जिसकी इनकम 2,50,000 के ज्यादा है। जी हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी इनकम तो 2,50,000 के ज्यादा है, मैं क्या करूं, मेरे ऊपर तो ये फॉर्म भी एप्लीकेबल नहीं होते, तो गाइज निराश होने की जरूरत नहीं है, एक हल उन लोगों के लिए भी है जिनकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो में। गाइज अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ इफ योर टोटल इनकम इज ग्रेटर देन 2,50,000, टोटल इनकम अगर 2,50,000 से ज्यादा है
देन यू हैव टू क्रिएट HUF. तो आपके पास एक यही रास्ता है टैक्स बचाने का, आप एक HUF बनाइए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाइए. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आपकी जो FD है, आपकी जो FD है वो किसके नाम पर लेंगे, अपनी HUF के नाम पे लेंगे. मैंने HUF बनाई, मेरी इनकम ऑलरेडी 2,50,000 से ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ मेरी इनकम 5,00,000 है, ठीक है. अगर मेरी इनकम 5,00,000 है तो क्या होगा, मैं 15C15 एप्लीकेबल नहीं हूँ फाइल करने के लिए. मैं क्या करूंगी, मेरी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करूंगी, एक HUF बनाऊंगी. HUF बनाने के बाद मैं जो अपनी FD है वो उस HUF के नाम पे करवा दूंगी. HUF के नाम पे जब मैंने अपनी FD करवाई तो HUF भी इलिजिबल है, फॉर्म 15G और 15H को भरने के लिए, क्लियर. तो अगर ये जो HUF है ये फॉर्म 15G फाइल कर देता है तो यहाँ पे TDS जो है TDS डिडक्ट नहीं होगा, सबसे पहली बात. और दूसरी बात, आपको एक और फायदा हो जाएगा, आप इसके अलावा अदर भी कुछ इनकम HUF को ट्रांसफर कर सकते हैं. अब आप कहेंगे मैम अदर इनकम HUF को ट्रांसफर करने का क्या फायदा. देखिए बहुत ज्यादा फायदा है, आप अगर HUF को अपनी इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर करते हैं प्लस अदर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना है, या आपको लगता है कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो आप HUF को ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस इसके साथ साथ कोई रेंटल इनकम है वो भी आप HUF को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसका भी तो टैक्स आपके पास बच जाएगा ना. तो HUF को ट्रांसफर करके 2.5 लाख प्लस में अगर मैं 80C की भी आपके डिडक्शंस हैं तो 1.5 लाख, तो 4,00,000 रुपए आप HUF के नाम इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि आपका कोई टैक्स ही ना लगे, क्लियर. तो ये तो थी अलग बात. अगर TDS की बात करें तो HUF के नाम पे जब हम FD करवाएंगे और अगर HUF की टोटल इनकम 2,50,000 के नीचे है, 2,50,000 से नीचे है, तो आप 15G फाइल कीजिए, TDS कटेगा ही नहीं, ठीक है. ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो HUF के नाम पे ट्रांसफर करके आप 4,00,000 तक की इनकम को एग्जम्प्ट भी करवा सकते हैं. मैंने एक अलग वीडियो भी इसके ऊपर बनाई हुई है, मैं लास्ट में आपको लिंक दे दूंगी, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, क्लियर. अगर मैं बात करूं 15G फॉर्म की, अब हम फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं कि किस पर्सन के केस में आपने कौन सा फॉर्म जो है वो फाइल करना है. इन केस ऑफ 15G, 15G आपको कब फाइल करना है, कोई भी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल और पर्सन नॉट बीइंग अ कंपनी और फर्म क्लेमिंग सर्टेन इनकम विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स. ध्यान रखिए सीनियर सिटीजन के लिए ये फॉर्म नहीं है. इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन हैविंग एज मोर देन 60 ईयर्स, अगर आपकी एज 60 ईयर्स से ज्यादा है तो ये फॉर्म आप लोगों के लिए नहीं है. अदर इंडिविजुअल्स जो हो गए, HUF जो हो गई, उसके लिए ये फॉर्म है. कंपनी और फॉर्म के लिए ये फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिए ना कंपनी से फाइल कर सकती है ना फॉर्म. इंडिविजुअल और HUF इसी फॉर्म को फाइल करेंगे, HUF तो हमेशा इसी को करेगी, HUF कोई सीनियर सिटीजन नहीं बनती, इंडिविजुअल बनता है सीनियर सिटीजन. तो इंडिविजुअल अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो ये फॉर्म फाइल करेगा, अदरवाइज अगर कोई वो सीनियर सिटीजन है हु इज एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर, जो 60 साल से ऊपर की एज का है या 60 साल का है, उसे फॉर्म 15H फाइल करना है. 15G आपको कब फाइल करना है, अगर आपकी एज जो है वो लेस देन 60 है प्लस इफ यू आर अ HUF, इन दो केसेस में ये कब फाइल करना है, व्हेन यू आर अ सीनियर सिटीजन. तो गाइस ये तरीका है हमारे पास FD के ऊपर TDS बचाने का. मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करवाया. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू. हाँ एक चीज और, आपको HUF क्रिएट कैसे करनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. इसमें मेंबर्स जो है HUF के वो प्रोवाइड करेंगे गिफ्ट HUF को, और जो करता है करता उसकी फिक्स डिपॉजिट करवा देगा और 15G फॉर्म इसके अंदर फाइल कर देगा, क्लियर गाइस. थैंक यू सो मच.